उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार ट्रेनों से लाए जा रहे श्रमिक के रोजगार के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा जॉब कार्ड गोरखपुर में ही जारी हुआ है। जो लोग बाहर से जनपद में आए हैं उनको कौशल क्षमता के आधार पर नौकरी दिया जा रहा है। गोरखपुर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं में इन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी के भी बेरोजगारी की समस्या गोरखपुर में नहीं रहेगी, सभी को रोजगार दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने बताया, आप देखे होंगे गोरखपुर में सबसे ज्यादा जॉब कार्ड प्रदेश में गोरखपुर में जारी हुआ है। हम लोग जो कितने लोग बाहर से लौट के आए हैं, मैं अंदाजन 1 लाख लोग का अंदाजन कर रहे थे बाहर से जो आने वाले लोग, उसी के हिसाब से हम लोग उनका टैलेंट के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से हम लोग नौकरी दे रहे हैं। खासतौर पे जो गांव में लोग रह के काम करना पसंद करते हैं उन्हीं के तुरंत जॉब कार्ड दे करके हम लोग काम भी प्रारंभ कर दिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था 50 लाख लोग का नौकरी देने के लिए, उसी दिशा पे आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साथ साथ गोरखपुर में पहले से ही बहुत सारे योजना चल रही, केंद्र सरकार राज्य सरकार का NH का काम है, फर्टिलाइजर का काम है, एम्स का काम है, सभी में इन लोग का जो इतने लोग वापस आए हैं सभी का एक्टिवली हम लोग रोज़ाना रिक्रूट कर रहे हैं, रोज़ाना शामिल कर रहे हैं। गोरखपुर में मैं यकीन कर सकता हूँ, एक चीज़ स्पष्ट कर सकता हूँ, ये किसी का बेरोजगारी का समस्या गोरखपुर जनपद में नहीं रहेगा। और साथ साथ यहाँ तो करीब हमारा 17,000 यूनिटें हैं, MSME और इंडस्ट्री सारे यूनिट, उस पर लगभग 14,000 यूनिट चालू कर चुके हैं, अपने काम प्रारंभ कर चुके हैं, बाकी भी प्रारंभ करने में स्थिति पे है, ताकि कहीं रॉ मटेरियल आना है, कहीं कुछ करना है। अब 1 सप्ताह 10 दिन में पूरे इंडस्ट्री अपने फुल कैपेसिटी में काम करेंगे उसको, और ये बेरोजगारी का समस्या ज़रूर गोरखपुर जनपद में नहीं रहेगा।